इज हियर असली माल। ओह वाओ, आजकल मार्केट में ऐसे ढूंढने भी जाओगे ना, वो भी एक अच्छा बजट फोन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। जब भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ आप सीधा बोलते हो पैसे तो नहीं है, बजट से बाहर हो जाता है। बट ये फोन आपके बजट में आए क्योंकि ये एक सही में बजट वाला फोन है। ये फोन पोको का मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, अंडर 10K में है, मतलब समझ रहे हो आपके बजट में। ए हे हे रहा नहीं जाता, चलो सब्र करो। सो ये फोन है पोको की तरफ से, सब लॉक लगा हुआ है, तगड़ी चीज ही हो गया। ओ हो 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 हो। तो फोन का नाम है पोको C50। तो फोन का नाम है पोको C50। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? 50 है तो 50 का गया। इस फोन को लेके कई सारे सवाल होंगे आपके। कैसा है ये फोन, कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सब जानेंगे हम। आखिर कैसा है इस बजट फोन में, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये वैल्यू फॉर मनी बजट फोन है, यही तो जानना है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्यारा सा येलो येलो केक है, आपका आज बर्थडे तो आपके नाम पे ये कार्ड देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहो, खुशियां फैलाओ। ओके वाओ, ये देखो, ओहो यहाँ गड्ढा केबल, ये माइक्रो यूएसबी केबल है, और ये चार्जर है 10 वॉट का है। जिंदगी का असली मजा इसमें ही है। ओ हो हो हो, इसका बैक देखो पहले तो यार, लेदर लाइक टेक्सचर डिजाइन है, इसमें लेदर फिनिश है, देखने में ये लेदर जैसा लगता है, देखने में एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से काफी बढ़िया लगता है यार। 9.09 mm इसकी थिकनेस है, इट फील्स गुड। पोको के जो सी सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं ना, ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं, और एंट्री लेवल में सी सीरीज काफी ज्यादा बिकते हैं। जो बैक साइड है ये पॉलीकार्बोनेट है, ऐसे आवाज आती है, डीजे भी बजा सकते। डीजे नंबर 1 1 1। तो देखो इसे स्क्रैच करो तो भाई साहब स्क्रैच नहीं आ रहे यार, ये देखो इतनी नुकीली चीज से स्क्रैच करने पे भी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से लव द बिल्ड क्वालिटी, एक बार वेट देख लेते हैं। ओहो 190 ग्राम, लाइट वेट है यार। बाकी इस फोन का डिस्प्ले सामने से ऐसा दिखाई देता है, ये एक 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले है, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट है। एंट्री लेवल स्मार्टफोन में आपको जनरली HD+ डिस्प्ले ही मिलता है। ये एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, ऊपर की साइड बेजल्स देखोगे, साइड जो बेजल्स है वो एवरेज है, नीचे चिन की साइड यस ऑफ कोर्स आपको थोड़े से बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी टेस्ट करें तो डिस्प्ले यूट्यूब पे वीडियो देखो, ओह 720p डिस्प्ले है, बट आप यूट्यूब पे 1080p पे वीडियो देख सकते हो, बट क्या फायदा, आपने देखना 360p पे ही है। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला, है ना, लाइक बटन दिख रहा है नीचे दबा दो। और डिस्प्ले क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो देखने में मुझे डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है यार। पर विंग एंगल चेक करते हैं, सामने से ऐसा दिखाई देता है, साइड से ठीक है, नीचे से विजिबल है, या विजिबल है, देखो ऊपर से भी विजिबल है। सो एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से डिस्प्ले इज गुड। नीचे की साइड में आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, और ये माइक्रो यूएसबी 4.5 mm जैक है, गड्ढा है। राइट हैंड साइड में ये वॉल्यूम बटन है, ये पावर बटन, ऊपर की साइड में ये स्पीकर है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट है, नाइस, दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और पीछे की साइड में ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये मुझे अच्छा लगा, वरना जनरली अगर आप देखोगे जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं उन सभी में फिंगरप्रिंट स्कैनर गायब कर देते हैं, इसमें है यार। पोको के लिए एक रोडी सल्यूट तो बनता है, पर फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते कितना फास्ट है। ओके ओहो, एक बार दूसरे उंगली से टेस्ट करते हैं, पता चले इसे भी खोल दे, नहीं नहीं स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। पहाड़ी सॉन्ग की बात ही कुछ और है। सबसे एक्साइटेड मैं इसके कैमरे को लेके हूँ। आई नो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन, इसके बैक में आपको 8 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा मिलता है, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी है, और कुछ लेके देखते हैं तभी पता चलेगा कैमरे में कितना दम है। आयरन मैन आज हम आपकी फोटो लेंगे, दिस इज पावरफुल, आयरन मैन भी बोला मेरी फोटो मत लो, लेकिन हम तो लेंगे। ओके पहले ये देखते हैं, ओहो फोकस चेक करते हैं, ठीक है फोकस कर ले रहा अच्छे से, देखो एक मुंडी लगा के फोटो लेते हैं। ओके ये हो गया एक नॉर्मल, और ये पोर्ट्रेट। ओ भाई साहब 8 मेगापिक्सल का कैमरा है देखो, बट पिक्चर क्वालिटी देखो, एजेस देखो, काफी ब्राइट फोटो लिया है यार। ये देखो जूम करते हो, 6-pack भी खींच सकते हो, 1 2 3 4 5, और वेल एक्सपोज किया है ये देखो, और ये एक हमने अपनी ली, डिटेल्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था बट ठीक है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से अगर आप देखोगे काफी जूम हो जाता है, डिटेल अच्छी है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। क्लियर कर दो, ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। अब इस फोन को 15-20 हजार रुपए वाले स्मार्टफोन के कैमरे से कंपेयर मत करना, वो गलत हो। तो मैं इसके कैमरे को एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से देख रहा हूँ, और उसके हिसाब से जो इसका कैमरा निकल के आया है, जो पिक्चर्स आते हैं दे आर गुड। एक सेल्फी तो बनती है ना बॉस आयरन मैन के साथ। ओ भाई साहब ये 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, अच्छा मैं यकीन नहीं हो रहा, ये देखो 5 मेगापिक्सल से जो डिटेल्स निकल के आए हैं, ये सेल्फी देखो यार, ये 5 मेगापिक्सल की है यार, क्या बात है, मानना पड़ेगा। ये देखो स्किन टोन बहुत ही प्यारा दिया है, आयरन मैन को भी बहुत अच्छे से फोकस किया है, और जो सेल्फी निकल के आई है गुड। पोको कैमरा सेटिंग में आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, और वीडियो में अगर आप जाते हो तो ओके 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एक फोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड है, और एक ये मोर का ऑप्शन है, और मोर में यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो टाइमलैप्स मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक हीलियो A22 चिप दे रखा है, और ये प्रोसेसर 2 GHz पे क्लॉक है। ऑफ कोर्स इसमें मैंने 2 टेस्ट किए, और जो एंड्रॉइड स्कोर निकल के आया है वो 88,000 प्लस निकल के आया है, जो एक डिसेंट स्कोर कहूंगा एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से। एंड इसमें मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करके देखा, और जो ग्राफ है वो देख सकते हो ग्रीन ग्रीन ही है,
सीपीयू थ्रॉटल परसेंट 80% निकल के आया है, एंटीटू और थ्रॉटलिंग डिसेंट निकल के आया है, मतलब आपका काम चल जाएगा डे टू डे लाइफ यूसेज में। बट आप तो जानते हैं दोस्तों, हम ऐसे नहीं मानते, हम खेल के ही मानेंगे। ओहो, बीजीएमआई चल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था चल जाएगा। ओके, स्मूथ बैलेंस ऑप्शन है, स्मूथ पे मीडियम का ऑप्शन है, ये एक एंट्री लेवल वाला स्मार्टफोन है और उसमें बीजीएमआई चल रहा है यार, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है चलो, काय ओ ओ भाई साहब, एक एम ले लो, चलो 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 चलो, ओ भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबवे सफर खेल के देखते हैं। ओहो, सबवे सफर तो आराम से चल रहा है, ये देखो। ओके ओके, क्या बात है, देखो। कैंडी क्रश और सबवे सफर जैसे गेम इजीली खेल सकते हो। फोन आपको दो रैम वेरिएंट में मिलेगा, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 32GB, इसमें से 13GB यूज्ड है। इसमें जो रैम है ये LPDDR4X रैम है। मल्टीटास्किंग मैंने चेक किया, इजीली हैंडल कर लेता है ये 4-5 एप्स को। ये देखो, यहाँ नीचे गए, अबाउट में गए, ओहो तो इसमें देखो एंड्रॉइड 12 गो एडिशन है। UI देखोगे तो एकदम क्लीन है, कोई फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं है। हाँ, एक दो है जैसे कि फेसबुक लाइट हो गया, बाकी अगर आप देखोगे तो एकदम प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, क्लीन Android experience है ये देखो। And हाँ, ये फोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसे कभी धूल आने पे या फिर बारिश पड़ने पे जैसे छींटे पड़ जाते हैं ना, उन सभी चीजों का इस फोन पे कोई असर नहीं होगा। बाकी इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट का चार्जर है। ये था ओवरऑल एक पोको C50। इसका जो बेस वेरिएंट है 2GB रैम 32GB स्टोरेज, ये आपको मिल जाएगा 6249 रुपीज में, और इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन बन जाता है मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन, वो भी प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं कहूंगा जितना भी मैंने फोन को टेस्ट किया, इट्स अ गुड बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन। एंड जो लोग पहली बार कोई स्मार्टफोन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर मॉम डैड, तो उन लोगों के लिए ये फोन काफी अच्छा हो सकता है। मुझे ना इस फोन का जो डिजाइन है, जो लुक है, वो पसंद आया। कैमरा भी अच्छा है, बिग डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस डिसेंट है डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए, एंड सबसे अच्छी प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। ओवरऑल मैंने फोन का जितना भी टेस्ट किया, मैं कहूंगा इट्स अ गुड एंट्री लेवल स्मार्टफोन। आपके ओपिनियन क्या है इस फोन को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, फैला भी दो वीडियो। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।